नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ स्टाइवेसन टाउन पे आया हुआ था और मैंने सोचा क्यों नहीं अपने पुराने दोस्त से मिला जाए। और मैं पहले यहाँ भी रहता था तो मुझे इस टाउन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता हैं, काफ़ी अनोखी चीज़ें पता हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का स्टाइवेसन टाउन और उसके बाद मैं अपने दोस्त से भी मिलूँगा। तो चलिए, दोस्तों हम कहाँ थे? हाँ, हम स्टाइवेसन टाउन में थे। तो इस टाउन का एक्चुअली नाम स्टाई टाउन है क्योंकि ये जो टाउन है दो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स से बना है। इसमें एक स्टाइवेसन टाउन है और दूसरा पीटर कूपर यूनियन विलेज कहते हैं जिसको, और यहाँ पे टाउन समझ लीजिए। तो ये दोनों इतने बड़े कॉम्प्लेक्स हैं कि अबाउट 80 एकड़ में ये फैले हुए हैं। इसमें 110 बिल्डिंगें हैं जिसमें कुछ 11,000 अपार्टमेंट हैं और जिसमें कुछ 21,000 लोग रहते हैं, सॉरी प्री कोविड रहते थे, अब का मैं कुछ कह नहीं सकता। डोंट कोट मी ऑन दैट। अरे ये गैलरी कहाँ से आ गई? लगता है पहचान गई जब मैं यहाँ रहता था। तो दोस्तों इस स्टाई टाउन में बहुत सारी एमेनिटीज हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक बास्केटबॉल प्लेग्राउंड है छोटा सा, जिसमें बहुत सारे बच्चे यहाँ पर खेलने आते हैं। जो बहुत ही अच्छे होते हैं वो तो घर पे पढ़ते हैं, और जो उनसे भी अच्छे होते हैं नटकट टाइप के, वो यहाँ खेलने आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये बच्चा हमें देखे जा रहा है वीडियो में क्योंकि वो चाहता है उसकी फुटेज ली जाए। कोई बात नहीं, उसकी भी ले लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं एक वॉलीबॉल। अब वॉलीबॉल बचपन में तो मैंने बहुत खेला है, मैं उसमें बहुत अच्छा नहीं था बट मैंने खेला बहुत है और लोगों को तंग बहुत किया है, लोग मतलब अपने दोस्तों को। और उस पिंग पोंग का कंपटीशन चल रहा है जो बहुत ही लो एनर्जी का है बट फिर भी कंपटीशन है। इसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ की सबसे सुंदर जगह दिखाऊंगा जिसको यहाँ के लोग मिनी सेंट्रल पार्क भी कहते हैं। इसमें एक बहुत ही सुंदर ओवल शेप का एक गार्डन है जिसको यहाँ पे दी ओवल कहते हैं, और उसके बीचों बीच एक छोटा सा फाउंटेन है जो लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक बनाते हैं, अपने घर वालों के साथ खाना लेके यहाँ पर आते हैं, तो काफ़ी मज़े करते हैं। और ये एक्सक्लूसिवली उन लोगों के लिए है जो इस टाउन में रहते हैं। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। अरे तो ये तो मैं बताना भूल ही गया कि यहाँ इस ओवल में बहुत सारी मूवीज़ प्ले की जाती हैं, और जो हमारे रोमांटिक दोस्त हैं जिनको थोड़ी चीप डेट चाहिए होती है वो यहाँ पर उनको लेके आते हैं। और ये जो मूवी दिखाई जाएगी ये है कपल्स रिट्रीट। ये तो वही मूवी है जिसमें अपने एआर रहमान ने म्यूज़िक दिया है। चलो देखेंगे अगर टाइम मिला तो। तो एक ये यहाँ का प्लेग्राउंड है, अब क्योंकि ये ऑल एजेस वाला है तो हमें भी खेलना तो पड़ेगा, बट नेक्स्ट टाइम। और ये यहाँ का एक छोटा सा जिम है कम्युनिटी मेंबर्स के लिए, काफी सारी साइकिलिंग इक्विपमेंट्स भी दिख रही हैं। दोस्तों दिस टाउन इज बिग ऑन पब्लिक सेफ्टी, तो ये सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स का एक छोटा सा ऑफिस है। ये टाउन का एक फेमस कैफे फाइव स्टार कैफे है, तो जब घूम फिर के थक जाओ तो यहां जरूर आओ।
this town were originally constructed in 1940s to meet housing needs of returning World War II veterans. Wow. और ये आ गया है हमारा ओवल स्टडी, चिल एंड स्टडी वाला एरिया. चलो आगे चलते हैं. तो इस गर्मी में बिना आइसक्रीम खाए तो ये टूर पूरा ही नहीं हो सकता. तो लीजिए यहाँ की आइसक्रीम शॉप. दोस्तों अब हम आ गए हैं स्टाइल टाउन के कोव पार्क वाले एरिया में. ये यहाँ का एक सीक्रेट रोमांटिक स्पॉट है. रात को जब यहाँ लाइटें शाइटें जलती हैं तो काफ़ी रोमांटिक माहौल बन जाता है. और दोस्तों यहाँ टेबल वाइन कैंडल लाइट्स एंड कंपनी आपको ही लानी है. यार इनका फुटेज कैसे छोड़ सकते हैं. और ये येलो सूट वाले भाई साहब लगता है हमसे डर के चले गए. अरे ये तो मैं बताना भूल ही गया कि ये पूरा जो टाउन है ईस्ट साइड ऑफ मैनहट्टन में है, close to East River, and it stretches from Avenue C to First Avenue between 14th Street and 23rd Street. अरे वीडियो खत्म करना तो दोस्तों मैं भूल ही गया. तो मैं जा रहा हूँ क्वींस एज अ किंग. दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा. आपका अपना देसी नहीं आकर हैव अ ब्लेस्ड.